मैं वापस सभी को नमस्कार करता हूं और क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज अपन एल्केन की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन में जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कैसे क्या बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी के लिए क्या है कि बेटा आरती आप अनम्यूट हो जाओ। यस सर। अच्छा गुड़िया, पहले आप ये बच्चा पढ़ा हुआ था उस पढ़े हुए में पूछ रहा हूँ मैं पहले, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ अपने पास में बेटा कि ये क्या लिख दिया मैंने, सर एल्केन। अच्छा एल्केन का बेटा सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है बेटा, अब मेरे पास में बात आती है, पहले मैं मैथेन का अणु सूत्र लिखना चाहूंगा। मैथेन में कितने कार्बन होंगे? सर एक। एच कितने होंगे बेटा? सर H4 हो गए। अच्छा ऐसे एथेन में कितने कार्बन है? सर दो। हाइड्रोजन कितने होंगे? है। ठीक है ना, प्रोपेन में बेटा कितने कार्बन हैं? तीन। तो आप तीन को पहले दो से मल्टीप्लाई करो और दो जोड़ो, तो तीन दोनी छह और दो आठ। अच्छा ब्यूटेन में बताओ क्या होगा अणु सूत्र ब्यूटेन का? C4H कितने बेटा? पेंटेन करो सर 12। ठीक है ना, आज अपन क्या करेंगे, अपन किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैथेन की संरचना कैसे बनाएंगे, एथेन की कैसे बनाएंगे, ये तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ले रहा हूँ बेटा वो मैथेन की ले रहा हूँ। किसके ले रहा हूँ? मैथेन की। अच्छा मैथेन में ये बताओ कुल कितने कार्बन है मैथेन में? सर एक कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? चार। चार है। अब आपस सुनना सभी बच्चे कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता अर्थात बंध बनाने की क्षमता गुड़िया कितने बताए थे बेटा? सर एक। नहीं संयोजकता चार। चार। ठीक है ना, तो कार्बन की जो संयोजकता चार है, तो कार्बन कितने बंध बनाएगा? चार। लेकिन हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? एक। एक बंध बनाता है। ठीक है ना, अब इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है और ये हो गया चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा सिंगल या एकल बंध बनाते हैं एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। ये कैसा बंध होगा, सिंगल या डबल? सिंगल। ये भी कैसा हो गया? सिंगल। ये भी क्या हो गया? सिंगल। तो ये कहलाया बेटा अपने पास में मैथेन का संरचना सूत्र। क्या कहलाया बेटा? मैथेन का संरचना सूत्र। अच्छा समझे या नहीं समझे? यस सर। अच्छा मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन वापस से लोन पेयर के आधार पे कर रहा हूँ बढ़िया। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में भाईतम कोष में, कार्बन के भाईतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार पाई जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, दो इलेक्ट्रॉन हो गया, तीन और ये चार। तो कार्बन के भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बताए? चार। चार। और हाइड्रोजन के भाईतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के भाईतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? एक एक। एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा दिया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहाँ तक?
यस सर। अब बेटा क्या होता है कि ये अपने पास में सबसे पहले बात आती है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपने पास में एक स्थायी विन्यास हीलियम का विन्यास धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इस हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। और दो किसके पायतम कोष में पाए जाते हैं, हीलियम के। और हीलियम क्या होती है, नोबल गैस, और नोबल गैस अपने आप में अधिक स्थायी पाई जाती है। ठीक है, अब बेटा कार्बन क्या करेगा, ये जो कार्बन है वापस से इन हाइड्रोजन से पुनः एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मांगता है। कहता भैया अब आपका काम चल गया तो एक काम करो, आप हमें भी दे दो, ले जा भाई अल्ले। तो ये बताओ अपने पास में यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साझा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तो ये जो साझा करके जो बंध बना रहे हैं बेटा, वो कहलाए सह संयोजक बंध। कौन से बंध कराएंगे, संयोजक बंध। तो सह संयोजक बंधों का निर्माण हो गया। तो ये आपकी कंप्लीट संरचना थी, किसकी थी संरचना, मैथेन की। किसकी, मैथेन की। बना लोगे क्या? यस सर। अच्छा थोड़ा सा बेटा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। उस मैथेन की संरचना के बाद में अब मैं एथेन की संरचना ले रहा हूँ, ठीक है। तो दीपक, दीपक अनम्यूट हो जाओ बेटा, आप म्यूट हो जाओ आरती। दीपक यस सर। अच्छा बेटा अब आगे चलता हूँ, मैथेन तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अच्छा अब अपन एथेन की बारी करते हैं ना। तो देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा है एथेन। एथेन का मतलब ये बताओ आप, एथ प्लस में एन। एथ का मतलब बेटा कितने कार्बन है इसमें, दो। दो कार्बन, बहुत अच्छी बात बताई। और हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, दो को कितने से गुणा करो, दो से। और उसमें कितने जोड़ दोगे, दो, दो से। शाबाश, तो ये क्या हो जाएगा, सी टू एच कितना लिखूं, बहुत अच्छी बात बताई। ये एथेन का अणु सूत्र कहलाया, क्या कहलाया बेटा, एथेन का अणु सूत्र। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा अब इनकी संरचना सूत्र बनाए, बनाए। अच्छा ये बताओ बेटा एथेन में कितने कार्बन हैं, दो। दो कार्बन है, तो ये मैंने लिखा एक कार्बन और ये लिखा दूसरा कार्बन, क्लियर हो गया? यस सर। अब ये बताओ एथेन की संधि करी बेटा, तो एथ प्लस पीछे अनुलग्न क्या आया, एन। एन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध पाया जाएगा, एकल बंध। एकल बंध, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध लगाओ बताओ, एकल बंध लगा दिया। अब ये बताओ एक कार्बन जो yes, है उस कार्बन की जो संयोजकता है, बंध बनाने की जो क्षमता है, थोड़ी देर पहले भी बताई थी कितनी है कार्बन की संयोजकता, चार। चार। अब फिलहाल ये बताओ बेटा, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया कि पहले वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, पहले वाला जो कार्बन है बेटा, उस पहले वाले कार्बन ने कितने बंध बना लिए, पहले वाले में आपको दोनों में से कोई सा भी लगा, तीन है? ये जो तीन एक कार मतलब ये जो कार्बन है वो कितना बंध बना रहा है, कोई सा भी एक कार्बन कितना बंध बना रहा है, एक बना रहा है, दो बना रहा है, एक एक एक, एक बना रहा है। तो इसका मतलब बंध टोटल कार्बन कितने बनाएंगे, चार। कितने बनाएंगे बेटा, चार। अच्छा फिलहाल इस कार्बन ने कितने बंध बना लिए,
एक एक। अब कितने और बनाएगा? तीन तीन तीन। और बनवाएगा। बट अब तीन हाइड्रोजन जोड़ दो किस कार्बन के साथ में? यस सर। और जो हाइड्रोजन जुड़ेगी वो कैसे बंद से जुड़ेगी, सिंगल से डबल से? सिंगल से। देखो एक दो और तीन, तीन क्या जोड़ सकता हूं मैं? हाइड्रोजन। तो इसके साथ जब मैं तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, तो बताओ अब इस कार्बन की वैलेंस चार होगी कि नहीं होगी? चार बंद बना लिए कि नहीं बना लिए? यस यस सर। अच्छा दूसरा वाला कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? तीन तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो मैं इसके साथ में भी क्या है, तीन हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, एक दो और ये तीन। क्लियर हो गए यहाँ तक? तीन। अच्छा अब ये बताओ पूरे के अंदर कितने कार्बन हैं? छह। दो कार्बन है, दो। और एच कितने हैं? दो। एच है। तो इसका मतलब C2H6 नहीं है? यस सर। अच्छा बन गया संरचना सूत्र? यस सर। बड़ा एक संघनित सूत्र और होता है, संघनित सूत्र का मतलब अपन को बीच का लिखते हैं। तो बताओ अपने पास में जो पहला वाला जो कार्बन है, ये वाला नंबर वन वाला, पहले वाले कार्बन के साथ कितने एच जुड़े हुए हैं? तीन। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 हो गया। फिर उसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। फिर वापस से अगले कार्बन के साथ कितने एच हैं? तीन। तीन। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते CH3 और CH3? यस सर। ये हो गया आपका एथेन का संघनित सूत्र, ये एथेन का आपका हो गया बेटा संरचना सूत्र, और ये आपका होगा एथेन का अणु सूत्र। क्लियर? अणु सूत्र हो गए कि हो गए? यस सर। अच्छा अब बेटा मैं आगे चलता हूँ। इसी के साथ में मैं आप लोगों को मैंने मैथेन की स्ट्रक्चर बताई, एथेन की स्ट्रक्चर बताई। नकुल बेटा आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया, नकुल नकुल। यस सर। अच्छा हाँ अब सुनो, आपको मैंने बताया मैथेन के बारे में बता दिया, उसी के साथ में एथेन के बारे में बताया, C2H6 है। अब अपन प्रोपेन के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बेटा। तो प्रोपेन में बताओ कितने कार्बन होते हैं? तीन। तीन। तो अब एच कितने जोड़ोगे? तीन को पहले दो से गुणा करो, उसमें दो जोड़ो, ठीक है? तो तीन दूनी छह, आठ हो जाएंगे। आठ। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया C3H8। क्या हो गया बेटा? C3H8। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन में कुल कितने कार्बन है? तीन। अच्छा प्रोपेन, एन अनुलग्न क्या आया, इन या एन या आइन? एन। एन का मतलब है जितने भी कार्बन होंगे उनके बीच में कैसा बंध मिलेगा बेटा? एकल बंध। एकल बंध। अब आप ये बताओ पहले वाला जो कार्बन है, ये वाला, इस पहले वाले कार्बन के साथ में कितने बंध बने हुए हैं? एक बंद। अब इसके साथ कितनी एच जोड़ूं? एच तीन जोड़ोगे सर? नहीं तीन नहीं, हाँ तीन ही जोड़ोगे। जोड़ देते हैं ना, ना। अब दूसरा वाला देखो, ये बीच वाला कार्बन, इसके साथ कितने बंद बन रहे हैं? एक है? दो बन रहे सर। दो बन रहे हैं तो कितने एच जोड़ूं? दो। दो। तो ये एक ऊपर जोड़ दी और एक नीचे जोड़ दी, हो गए चार पूरी वैलेंसी। यस सर। अच्छा बेटा लास्ट वाले पे बताओ अपने पास में कितने जोड़ना है? तीन जोड़ेंगे सर।
जोड़ेंगे, ये होगा एक दो और ये आपका तीन हो गया। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अच्छा बेटा, इस संरचना सूत्र को मैं संघनित सूत्र में बदलना चाहूंगा, ठीक है? तो आप ये बताओ, पहले वाला जो कार्बन है उस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है? तीन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3। उसके बाद में क्या है, ये कैसा बंद है? सिंगल बॉन्ड है। फिर अगला कार्बन है, ये रहा कार्बन सर। अब इस कार्बन के साथ कितने एच हैं? यस सर, दो। तो फिर कैसा बॉन्ड आया वापस से? सिंगल। सिंगल। फिर वापस से कौन आपका? तीन। कितने एच जोड़ उसके साथ? तीन। हो गया। तो ये इसमें आया संगत। कौन सा सूत्र है बेटा? ये संघनित सूत्र, ठीक है ना? तो ये सुनना सभी बच्चे, ये प्रोपेन था, ये प्रोपेन की आपके पास में क्या है? संरचना, ठीक है, सूत्र। और ये प्रोपेन का क्या है? संघनित सूत्र। यहां तक क्लियर होगा क्या? यस सर। बना लोगे? यस सर। ठीक है, तो बेटा मैंने आप लोगों को मैथेन बताया, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो, मैथेन बताया, उसकी संरचना बताई, एथेन बताई, उसकी स्ट्रक्चर बताई, प्रोपेन बताया और उसकी स्ट्रक्चर का निर्माण किया। ये था मैथेन, एथेन और प्रोपेन। उसी के साथ में अगला आता है सर, एक कार्बन हो गया, दो कार्बन हो गया, तीन कार्बन हो गया, और तीन कार्बन के बाद में अपना कितना कार्बन लेंगे? चार। कितना लेंगे? चार। नितेश, नितेश स्वामी। यस सर। हाँ ठीक ना बेटा, आप नकुल आप म्यूट कर लो बेटा अपने को, है ना? नितेश बेटा, आप चार कार्बन के बारे में पढ़े क्या? यस सर। अच्छा, C4 है, उसके बाद बेटा H की बारी आई। ये बताओ अपने पास में यहाँ हाइड्रोजन कितने लगाऊं ब्यूटेन बनाने के लिए? क्या सर? हाइड्रोजन कितने लिखूं मैं ब्यूटेन बनाने के लिए? ब्यूटेन बनाने के लिए? हाँ सर, दो। दो? कितने लिखो बेटा? आप इसके साथ में कितने एच रखोगे? दस। नितेश। यस सर। कितने एच रखोगे बेटा? C4H कितना हो गए? दस। दस हो गया ना, ये ब्यूटेन कहलाया। क्या कहलाया? ब्यूटेन। ब्यूटेन सामान्य सूत्र था CnH2n+2, ठीक है? आपकी क्लियरिटी नहीं है तो थोड़ा सा मैं और आगे चल जाता हूँ। पहले सोनू, सोनू आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया? यस सर। अच्छा बेटा, आप ये बताओ यहाँ तक कि समझ में आया नहीं आया पहले तो? यस सर, आ गया। आप बताओ, ये बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर ब्यूटेन में? चार। तो मैंने चारों कार्बन को लिख दिया पहले, कितने को लिख दिया है? चार। चार कार्बन की बिल्कुल सीधी चेन, इन सब के बीच में बेटा कैसा बंद लगा दिया? क्या सर? इनके बीच में बॉन्ड कैसा लगाया? एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है ना? अब अपन एक बात करते हैं। यस सर। सूत्र लिखते हैं, वैसे संघनित सूत्र लिखते हैं, तो पहले वाले कार्बन ने कितने बंद बना रखे हैं? एक। एक, तो कितने एच जोड़ दो पहले वाले के साथ में? तीन। तीन, ये जोड़ दिए मैंने तीन। दूसरे वाले के साथ कितने एच जोड़ूं? दो। तीसरे वाले के साथ? दो। और लास्ट वाले के साथ? तीन। अच्छा, तो ये एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया आपकी ब्यूटेन की, बन गई।
यस सर। ये सीधी चेन है या बीच में से टूटी हुई है? क्या सर? बिल्कुल सीधी चेन है या फिर अपने पास साखित श्रृंखला है या असाखित है? सर बिल्कुल सीधी चेन है। बिल्कुल सीधी चेन है। अब दूसरे सुनो बेटा, एक दो तीन, कितने कार्बन है ये? तीन। अच्छा अब ये बताओ अपने पास ये टोटल कितने कार्बन लिख दिए मैंने? चार। चार। इनके बीच में बेटा बंद कैसा लगा है ये बताओ? सिंगल। सिंगल बोन लगा है, बिल्कुल अच्छी बात हुई। तो इसका मतलब सिंगल बोन वाले जो हैं वो अपने पास एल्केन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। लेकिन चार कार्बन के एल्केन ब्यूटेन होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अच्छा ऊपर वाले भी ब्यूटेन है कि नहीं है? है सर। अच्छा ऊपर वाले ब्यूटेन में बताओ बेटा कितने कार्बन है? चार। और हाइड्रोजन कितने हैं? दस। दस। तो देखो देखो ब्यूटेन का अणुसूत्र यही था ना, C4H10। यस सर। अब नीचे वाले की वैलेंसी पूरी करते हैं, करें बताओ। यस सर। पहले वाले कार्बन के साथ बेटा कितने एच लगाऊं? तीन। तीन। और बीच वाले के साथ कितने एच लगाऊं? एक। और लास्ट वाले के साथ कितने एच लगाऊं? दो। तीन। तीन। और इस लास्ट वाले के साथ कितने लगाऊं? तीन। तीन लगाऊं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा आप बताओ अपने पास इसमें कुल कितने कार्बन है नीचे वाली में? चार। और एच कितने हैं टोटल? दस। तो बताओ इसका मतलब है ये भी C4H10 है कि नहीं है? है सर। तो ब्यूटेन की एक स्ट्रक्चर बनी है, दो बनी बेटा? दो। दो बनी, यहाँ तक सही है? यस सर। अच्छा अब बेटा जो सीधी श्रृंखला वाली ब्यूटेन है उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्या बोलोगे? एन ब्यूटेन। हाँ, और ये जो अभी जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप आइसोब्यूटेन, क्या बोलोगे? आइसोब्यूटेन। ठीक है आइसोब्यूटेन। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा तो ये बताओ अपने पास ब्यूटेन की कितने स्ट्रक्चर बनी, एक या दो? दो। दो बने। मैथेन की कितनी बनी थी स्ट्रक्चर? दो। मैथेन की क्या सर? मैथेन की स्ट्रक्चर एक बनी थी। एथेन की भी स्ट्रक्चर कितनी है? एक है। और प्रोपेन की भी कितनी है अपने पास में? एक है। और ब्यूटेन की कितनी बन रही है? दो। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आगे बढ़े? यस सर। चलो अब ब्यूटेन के बाद बेटा पेंटेन की बारी आ रही है, किसकी बारी आ रही है? पेंटेन की। पेंटेन की, ठीक है ना। अच्छा पेंटेन के लिए अपन क्या कर रहे हैं ओम प्रकाश? यस सर। अच्छा बेटा पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? पांच। पांच। एच कितने हो जाएंगे बेटा? बारह। बारह, बहुत अच्छी बात है सर। ये पेंटेन बन गया। अपने इसके स्ट्रक्चर बनाए पेंटेन की? यस सर। अच्छा देखो पहले तो मैंने ऐसे कर दी, एक दो तीन चार पांच, कितने कार्बन की सीधी चेन बना दी? पांच। पांच कार्बन की। पेंटेन एन का मतलब इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आएगा। पहले वाले कार्बन के साथ वैलेंसी पूरी करो बेटा, कितने एच लगाऊं पहले वाले के साथ? तीन। दूसरे वाले के साथ? दो।
तीसरे के साथ दो, चौथे के साथ दो, और लास्ट वाले के साथ बेटा तीन तीन। अब ये देखो जो स्ट्रक्चर बनी है उसमें कुल कितने कार बने हैं? कार बन पांच। अच्छा एच कितने बेटा? बारह। अच्छा इसका मतलब ये पेंटेन ही है ना? हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया पेंटेन है इसलिए। अच्छा अब एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ, ठीक है? अब बताओ ये एक दो तीन और चार कितने कार बने बेटा? चार। चार कार बने, इनके बीच में कैसा बंद लगा दिया? सिंगल। तो ये ब्यूटेन बन गई। क्या बन गई? ब्यूटेन। अच्छा अब सुनो सभी, एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ, एक कार्बन और ले लिया, ये ले लिया देखो, अब क्या कार्बन हो गए ये बताओ? पांच। अच्छा अब इन सभी पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है? सिंगल। वैलेंसी पूरी करें क्या? यस सर। पहले वाले के साथ कितने एच जोड़ूं? तीन। और दूसरे वाले के साथ? एक। नीचे वाले के साथ? तीन। तीसरे के साथ? दो। लास्ट वाले के साथ? तीन। तो बताओ इसमें कितने कार्बन हैं? बारह। कार्बन बेटा? कार्बन पांच। और एच कितने हैं? बारह। बारह। तो बताओ वापस से ये पेंटेन है कि नहीं है? है। ठीक है, दो बना दी? यस सर। एक और कर देते हैं अपने पास। चलो अब अपने पास क्या किया, मैंने पहले तीन कार्बन की चेन बनाई, देखो एक दो और तीन, और इनके बीच में रखा बेटा मैंने सिंगल बॉन्ड, तो ये कहलाया आपका प्रोपेन। क्या कहलाया? प्रोपेन। प्रोपेन, देखो मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो ये प्रोपेन बन गया या ब्यूटेन बन गया? ब्यूटेन। और ब्यूटेन भी कौन सा बन गया मालूम है? आइसोब्यूटेन। कौन सा बना? आइसोब्यूटेन। आप देखो एक कार्बन और जोड़ दिया सिंगल से, तो ये पांच कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। वैलेंसी पूरी करो पहले वाले की, कितने जोड़ूं? तीन, दो, हाँ तीन। ऊपर वाले में? तीन। नीचे? तीन। साइड में? तीन। बीच में? बीच में सर कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, चार वैलेंसी हो गई अल्ले। अब बेटा इसमें वापस से ये भी पेंटेन yes, नहीं है? है। क्यों? क्योंकि C5H12 है। तो ये बताओ पेंटेन की कितनी औलाद बन गई, एक दो या तीन, कितनी स्ट्रक्चर बन गई? तीन। ये तीनों एक जैसे? तीन तीन अलग अलग। अलग अलग है, बहुत अच्छी बात बताई। तो ये जो पहली वाली संरचना है वो बिल्कुल सीधी है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? एन एन पेंटेन। अच्छा इसमें वो पहले वाला ध्यान करो, ये समूह नजर आ रहा है आपको ना, जब ये समूह नजर आ रहा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, क्या बनेगा बेटा? आइसोपेंटेन। क्योंकि पांच कार्बन है, समूह का नाम तो आइसो होगा, पांच के लिए पेंटेन हो गया। और ये एक कार्बन के चारों तरफ यदि कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं बेटा नियो। क्या बोलते हैं? नियो। तो ये बताओ अपने पास में पेंटेन के कितने समावयवी बन गए? तीन। तीन समावयवी बन गए ना। तो सर तीन समावयवी जो बने अपने पास में, इसका मतलब क्या हो गया? एक एन पेंटेन है, दूसरा आइसो पेंटेन और तीसरा नियो पेंटेन। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सभी की आपको संरचनाएं बताई। समझ गए आप तक? समझ गए। ठीक है।